बिलावल हाउस में सियासत के दो बड़ों की बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। लीगी वफ्द में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब शामिल। जेजुआई के अकरम खान दुरानी और मौलाना असद महमूद भी मुलाकात में शरीक। पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज। मुआलजीन ने तबीयत में बेहतरी पर जहांगीर तरीन को घर भेज दिया। अलालत के बायस 3 दिन हस्पताल दाखिल रहे। डॉक्टर्स का सियासी सरगर्मियां महदूद करके मुकम्मल आराम का मशवरा। महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी, गरीब आदमी पर मजीद बोझ पड़ गया। दर्जा 2 घी, दाल चना, डब्बे वाला दूध, ब्रायलर गोश्त महंगा। दर्जा 2 घी 3 रुपए इजाफे से 395 रुपए किलो हो गया। दाल चना की कीमत में 2 रुपए इजाफा, 152 रुपए किलो फरोख। डब्बे वाला दूध 5 रुपए महंगा होकर 170 रुपए लीटर हो गया। मुर्गी की कीमत में 2 रोज में 33 रुपए इजाफा। फी किलो गोश्त 335 रुपए तक जा पहुंचा। शहरी परेशान। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा मजीद महंगा करने का फैसला कर लिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपए बढ़ाने की तैयारियां। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ताहिर हनीफ कहते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, गंदम का रेट भी बढ़ गया, आटे की कीमतों में इजाफा नागुजीर हो चुका। हुकूमत फौरी कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करे। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। 48 पैसे मजीद इजाफे के बाद इंटर बैंक में डॉलर 176 रुपए 23 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़े। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, ताजिर बरादरी और शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग की इजाजत। कारोबारी मराकज के लिए वक्त की पाबंदी खत्म। शादी हॉल्स में 500 मेहमानों के लिए इंडोर की इजाजत। सिनेमा हॉल, जिम्स, मजारात, पार्क्स खुल गए। जबकि दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी अच्छी खबर। यूएई हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए रैपिड पीसीआर की शर्त खत्म कर दी। लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 2 अफराद की जान ले गया। शहर में 179 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल करके मोहलिक वायरस से बचा जा सकता है। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम, माओ और बच्चों की हलाकत बारे खौफनाक हकीकत। हुकूमत पंजाब की अपनी ही रिपोर्ट ने कलई खोल दी। साल 2021 में 1000 माएँ मराकज़े सेहत पर जिंदगी की बाजी हार गईं। अमवात दौरान जचगी, मुनासिब देखभाल ना होने से हुई। बुनियादी मराकज़े सेहत पर 88,000 से जायद बच्चे भी दम तोड़ गए। 25,000 से जायद बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही दम तोड़ गए। सर्विसेज अस्पताल की बेसरो सामानी, सीटी स्कैन और एक्सरे फिल्में खत्म। तशखीसी टेस्ट डॉक्टर्स के लिए चेक करना मुश्किल हो गया। मरीजों ने भी हल निकाल लिया। मरीज एक्सरे और सीटी स्कैन की तस्वीर बनाकर दिखाने लगे। अस्पताल इंतजामिया ताहाल फिल्मों की दस्तियाबी मुमकिन न बना सके। और दाता दरबार की इमारत और कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 50 साल प्लान का बजट मंजूर। कॉम्प्लेक्स के डिजाइन की तैयारी के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। दरबार की मौजूदा और नई इमारत के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट की मदद ली गई। कॉम्प्लेक्स की तामीर के साथ जायरीन की सहूलत के लिए भी मंसूबा बंदी होगी। पार्किंग, सिक्योरिटी, लंगर खाने, लाइब्रेरी और दीगर तामीराती काम प्लान का हिस्सा। नशे के आदि अफराद की बहाली के लिए भी सेंटर बनेगा।